परीक्षाओं का दौर चल रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा बोले, सीबीएसई बोर्ड तमाम परीक्षाएं इस समय लगातार चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है परीक्षार्थियों के लिए उनके भविष्य को लेकर। तो यूपी पुलिस की लगभग 6 साल बाद परीक्षा का आयोजन किया गया और लगभग 48 लाख से ऊपर बच्चे जो है पूरे प्रदेश में इस समय परीक्षा यूपी पुलिस की दे रहे हैं। 2 पालियों में आयोजित ये परीक्षा का आज प्रथम दिन रहा। राजधानी की बात करता हूँ, कई तमाम सेंटरों पे इस समय परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। पुलिसकर्मी जो है सुबह से सेंटरों पे तैनात नजर दिखाई पड़े। जिला मजिस्ट्रेट की बात करें, पुलिस कमिश्नर की बात करें और खुद मौके पर डीजीपी भी कई परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण करते हुए देखे गए। यूपी एसटीएफ द्वारा कल 2 साल्वर गैंग के सदस्यों को वाराणसी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। 100 से ऊपर केंद्र लगभग राजधानी में बनाए गए हैं। आज परीक्षा का पहला दिन था जो कि 10 से सुबह 12 और शाम को 3 से 5 के भी संपन्न हुआ। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, बाकी वो तो जब मार्क्स आएंगे या जो भी रिजल्ट आएगा तो उसी हिसाब से। OMR हम लोग पेन से फिल करते हैं, तो वो पेपर क्वेश्चन अगर कम भी है फिर भी वो एक टाइप से लेंथी ही लगता है, क्योंकि OMR गोले भरने में भी टाइम लगता है, इसी वजह से तो थोड़ा सा टाइम जो कंजम्पशन होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन सारे ही समझ में आ रहे थे, थोड़ा बहुत जिसने जीके या रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस की है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आराम से हो सकता है। सचिन शर्मा, पेपर का लेवल आसानी था और मेरा तो बहुत बढ़िया गया पेपर। भैया क्या क्या नाम है? सचिन यादव। सचिन जी कहाँ से आए? दिलवता। पेपर कैसा था और पेपर आपका कैसा था? पेपर ठीक था भैया, बस लास्ट के 4-5 क्वेश्चन छूट गए। पेपर तो कंप्लीट कर लिया था लेकिन OMR सीट भरने में टाइम थोड़ा किल हुआ, जिसके कारण बहुत सारा थोड़ा घबराहट था, जिसके कारण मैथ में थोड़ा मिस्टेक होता चला गया और टाइम किलिंग।